मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच आओ संस्कृत सीखें का अगला वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण धातु और उसके अर्थ, क्योंकि लगार जानने के बाद जब हम उसकी उसका वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं संस्कृत में, तो उसके लिए हमको धातु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और धातु का अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम संस्कृत में उस धातु को अलग अलग वचन के अनुसार और अलग अलग पुरुष के अनुसार उस क्रिया का रूपांतरण कर पाएंगे। तो सबसे पहले धातु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम ऐसे तो बहुत सारे धातु हैं संस्कृत में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण धातु लेकर के हम उपस्थित हैं। तो इसमें से देखेंगे सबसे पहले क्री धातु, जिसका अर्थ होता है करना। और क्री धातु का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे लट लकार में करेंगे, तीता अंति प्रथम पुरुष में होता है, एक वचन बहुवचन और इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन में, तो तीता अंति, तो क्री धातु का मतलब होता है करना। इसी का अलग अलग अगर हम वचन में इसका प्रयोग करेंगे क्री धातु का और पुरुष के अनुसार, तो इसका प्रयोग जैसे करेंगे करता है करोति, इसके बाद कुरुता, इसके बाद कुर्वंती, इस तरह से तीता अंति का ये क्री धातु रूप का रूपांतरण होता है क्रिया में। उसी तरह से क्रीड धातु होता है, क्रीड का मतलब होता है खेलना, और क्रीड धातु का अगर हम रूपांतरण करेंगे अलग अलग, मान लेते हैं कि उसमें अलग अलग लकार में अगर प्रयोग करेंगे, तो उसका जो फॉर्मेट पिछले वीडियो में बताया गया है उसी फॉर्मेट के अनुसार क्रीड धातु का अलग अलग पुरुष में और अलग अलग वचन में इसका रूपांतरण होगा क्रीड धातु का, जिसका अर्थ होता है खेलना। तो हिंदी वाक्य में जहां भी खेलना शब्द आता है, तो उसका वचन के अनुसार और उसका पुरुष के अनुसार जब हमको रूपांतरण करना होता है उस धातु का, तो इसी क्रीड धातु से हमको अलग अलग जैसा वाक्य दिया गया होगा, जिस काल का दिया होगा, जिस लकार का दिया होगा, उसके अनुसार जो रूपांतरण बताया गया है पिछले क्लास में, उसी के अनुसार इस धातु का रूपांतरण करना है। तो क्रीड धातु, क्रीड का मतलब होता है खेलना। क्रंद, क्रंद का मतलब होता है रोना। उसी तरह से कंप धातु, कंप का मतलब कांपना। कुर्द, कुर्द का मतलब कूदना। कर्ष, कर्ष का मतलब खींचना। उसी तरह से क्री धातु है, क्री का मतलब होता है खरीदना। खन, खन का मतलब खोदना। गम धातु, जिसका मतलब होता है जाना। इसके बाद गर्ज धातु, जिसका मतलब होता है गरजना। गय, गय का मतलब होता है गाना, जो गीत गाते हैं। इसके बाद क्री का मतलब, ग्री का मतलब होता है निगलना। और गुह्य का मतलब होता है छिपाना। आगे देखते हैं गाह्य, गाह, गाह का मतलब होता है स्नान करना। चर्प धातु का मतलब चबाना। चूर का मतलब चुराना। चल धातु का मतलब चलना। घा का मतलब सूंघना। ज्ञा धातु का मतलब जानना। उसी तरह से ज्वल धातु का मतलब जलना। पठ धातु का मतलब पढ़ना। वध धातु का मतलब बोलना। और तिष्ठ धातु का मतलब बैठना। पच धातु का मतलब पकाना। मृत धातु का मतलब नाचना। दा धातु का मतलब देना। इस तरह से और भी बहुत सारे धातु हैं संस्कृत में। तो इस तरह से अगर धातु का ज्ञान हमको हो जाता है, तो संस्कृत में जब हमको अनुवाद करने के लिए कहा जाता है हिंदी वाक्यों को, तो उसका जब तक हमको धातु का ज्ञान नहीं होगा, तो उसके अनुसार हम उस धातु को क्रिया में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। धातु का जानने के साथ साथ उसका अर्थ भी जानना चाहिए, तभी हम उस धातु का वाक्य के अनुसार, क्रिया के अनुसार, जो वाक्य में दिया गया क्रिया है और वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार उसका रूपांतरण कर पाएंगे, तभी हमको संस्कृत में अनुवाद करना आसान हो जाएगा। जब हमको ये धातु का ज्ञान हो जाएगा अर्थ के साथ, तब हम इसके पहले जो वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वीडियो में जो अलग अलग प्रकार के लकार देखे हैं, तीन प्रकार के लकार, तो उस तीनों प्रकार के लकार का जो फॉर्मेट है, जो धातु रूप को किस तरह से क्रिया का रूपांतरण किया जाता है अलग अलग वचन में, अलग अलग पुरुष में, तो उसके अनुसार हम इस धातु का क्रिया के रूप में रूपांतरण करके संस्कृत में उस वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हमको अनुवाद जानना है या सीखना है, तो इसके लिए धातु का ज्ञान और उसका अर्थ होना, अर्थ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम और कुछ धातु रूप को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।